अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं लदवा में। तो जबकि आज स्नो फेस्टिवल हो रहे जा रहा था यहाँ पे मार्च में, आज लदवा में स्नो फेस्टिवल होने जा रहा था और हमने सोचा कि चलो हम भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होता है। चलो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। माहिर रमजान मेरे साथ है, एक मेरा क्लासमेट मिस्टर साहिल अहमद मीर। तो साहिल भाई बताइए कि आपको कैसा लगा कि यहाँ पे जो यहाँ पर फेस्टिवल बन रहा था? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इससे पहले भी एक फेस्टिवल था उसमें बहुत ही मज़ा आया, तो आज इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि आज जो रमज़ान था इसलिए उतना मज़ा नहीं आया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि रमज़ान में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो रमज़ान के बाद होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही गुनाह भी हो रहे हैं ऐसे। यहाँ पर क्या कि यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें थी जो नहीं हुई, म्यूजिक हो रहा है, कुछ म्यूजिक हो रहे थे, कुछ डांस हो रहे थे, आज रमज़ान था बट आज ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं लदवा के इस गेट पे जहां से हम एंट्री लेंगे। यहां पर जो फेस्टिवल्स बन रहे हैं, जो ड्रामास बन रहे हैं, स्पीचेस दे रहे हैं, उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आपको आगे दिखाएंगे कि यहां पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं यहां पे, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। प्रोग्राम है, इनसे कितना बूस्ट मिलेगा यहाँ के टूरिज्म को, चूँकि ये बहुत खूबसूरत इलाका है। देखिए सर, इसमें ऐसा है कि टूरिज्म का जो पोटेंशियल है यहाँ पे बहुत है। जैसे कि आप देखेंगे, मैं भी इसी से टूरिज्म से वाबस्ता हूँ और रजिस्टर्ड हूँ जेएमके फॉरेस्ट और जेएमके टूरिज्म के साथ। तो हमारी कैंपिंग कराते हैं स्कूल कॉलेज वगैरह को और जो टूरिस्ट ट्रैकर्स आते हैं, और इन फ्यूचर काफ़ी हम लोग आगे कर रहे हैं। हमारा फिशिंग स्पॉट है, वाटर बोटिंग स्पॉट है, जैसे आप पीछे बोट भी आप देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ टूरिस्ट को क्या चाहिए इस बारे में, क्योंकि इसमें वाइल्ड लाइफ भी ऐड है, तो हमने उस पर भी हमने काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कश्मीर में सही पहला स्पॉट होगा कि जहाँ सब ऑल इन वन जगह है, यहाँ पे सब कुछ। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मदद है, कोई डेवलपमेंट हो रही है? देखिए सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अभी मैं आपको बताऊँ तो मदद दूर दूर तक ही नहीं है, क्योंकि देखिए आज यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं, आप भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। हमें बाथरूम का जो वाशरूम उनका इशूज़ है, लड़कियाँ हैं, जवान आती हैं यहाँ पे, फैमिलीज आती हैं, उनका इशू आता है। चले मर्द राइट लेफ्ट भाग जाएगा, मगर फीमेलिज्म क्या कर सकते हैं, और इस हवाले से अभी तक कुछ आप नहीं। और दूसरा, डस्टबिन लगने चाहिए, बेंचेस लगने चाहिए, जबकि यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करीब 100 कनाल पे पार्क बना रहा है, फेंसिंग उसकी हो गई है, आधी आधी हो रही है, लेकिन काम अभी बहुत करना है, तो करना चाहिए गवर्नमेंट, क्योंकि जब आप एक ही जगह पर सब आपको मिल रहा है, क्योंकि सिक्की के बारे में अगर आपको बताएं जैसे गुलमर्ग में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी सर्दी है उसमें हम सिक्की भी शुरू करेंगे, इस एरिया में जो स्नो बाइकिंग वो भी हम इसमें शुरू करेंगे इंशाल्लाह टूरिज्म के हवाले में। मैं इसको ऐड करने की क्योंकि मेरा बैनर है राजस्थान से ज़्यादा एडवेंचर भी, लेकिन सब ऑल एक ही जगह पर सब हमें मिल रहा है। बस चॉइस है टूरिस्ट की कि उसको चाहिए क्या, क्योंकि वो नेचर की तरफ अब टूरिज्म भाग रहा है, कंक्रीट से वो भाग रहे हैं आप। ये मतलब कोई सोचेगा शोर शराबे से आप फैमिलीज को लेके बाकी टूरिज्म अब सेक्टर इधर हो रहा है, नेचर की तरफ आ रहे हैं, तो सब कुछ मौजूद है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा ही करना, ज़्यादा नहीं करना, मुझे बस थोड़ा सा कुछ करने में तो अलहमदिल्ला हो जाएगा। बहुत थैंक यू सर। बादाम दास रख सारे जन
तो बाकी दोस्तों इस इवेंट में बहुत ही अच्छा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स आए थे, स्टूडेंट्स आए थे, बहुत सारे स्कूल्स आए थे, और जो कि आपने अभी तक देखे हैं कि कितने सारे इवेंट्स हुए इसमें, बहुत सारे ड्रामास हो गए, स्पीच हो गए, यहाँ बहुत सारे खेल हो गए उससे पहले, लेकिन हम थोड़ा लेट ही आए थे। तो फिलहाल आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।